तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसका प्रिपरेशन के बारे में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट अपना मेथड जो था उसको जस्ट रिवाइज करते चलें। पहला जो टेक्निक था प्रिपरेशन का, वो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जड़ी रिएजेंट हम लोग कंसीडर करते हैं K2Cr2 ओसेन। ऑक्सीडेशन करने का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो रिएजेंट क्या, पहला रिएजेंट हम लोग पोटेशियम क्रोमेट या केमेनोपोल यदि यूज करते हैं, केमेनोपोल यदि यूज करते हैं हम लोग क्या देखे, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जो कि इसके बाद पढ़ना है। 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। इसके बाद हम लोग PCC प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट की बात किए थे, वो सारे ऑक्सीडेशन सारे रिएजेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्या रिएक्शन का फाइनल समरी या कोई भी, उसमें 5 रिएजेंट हम लोग देखे थे पिछले क्लासेस में। सेकेंड मेथड जो था अपना, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि हम लोग PCC कंसीडर करें, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, रेडियम क्लोरो पेडियम को कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, बेंजीन रिंग हो गया, ये बीच में नाइट्रोजन इसी तरह, और डबल बॉन्ड यहाँ ये ठीक है बेटे, पेडियम क्लोरो क्रोमेट इसमें। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। ठीक है बेटे। उसके बाद थर्ड जो हम लोग यूज किए थे, मैग्नीज ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज किए थे, थर्ड ये करा दिया था, थर्ड वाला भी मैग्नीज, चलो यहीं से स्टार्ट करना है। तो थर्ड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम MnO2 यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे पर लागू नहीं होगा, स्पेशली किस तरह के रहेंगे, अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल या आपका एलाइल ग्रुप वाला एलाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सी एच थ्री से ओ एच ग्रुप। तो मैग्नीज ऑक्साइड सारे अल्कोहल के लिए नहीं, फिनाइल या फिर बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा क्या है एलाइल अल्कोहल, यानी डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH ग्रुप, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन अपना जो जरूरत है उसके हिसाब से देख लेंगे, 2 है तो CH2H, यहाँ पर CH2। तो ये रिएजेंट स्पेशली सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल के लिए ही एप्लीकेबल है, सारे अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें भी 1 डिग्री यदि बेंजाइल अल्कोहल रहता है तो ये भी देगा आपको एल्डिहाइड, 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन और 3 डिग्री पर नो इफेक्ट। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल हो या एलाइल हो अल्कोहल, उसी के लिए एप्लीकेबल है। लिख लो बेटे इसको,
ठीक है बेटे। अब इसका रिएक्शन देखें, वन डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कंसिडर करते हैं CH2OH, तो ये वन डिग्री है तो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या दे देगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, राइट। तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन या चाहे ये भी H2 निकल गया, चाहे एक यहाँ से H, एक यहाँ से H निकल के H2 निकल जाएगा, और ये H2 फर्दर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर भी बना लेता है, तो हाइड्रोजन का तो रिमूवल हो गया और यहाँ पर क्या बन गया अपना CHO बेंजाइल डिहाइड, ठीक है बेटे। तो बेंजाइल अल्कोहल 1 डिग्री है और इसको और क्या अपना मेन फंक्शन अपना अल्कोहल है, ये ब्रांच में अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। वी कैन ऑल्सो से इसको नाइनेमिक फिनाइल अल्कोहल है, तो मिथेनॉल, ठीक है। सेकेंड उसी तरह से देखें, सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर करते हैं तब क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल CH2 यानी सेकेंड कार्बन से ये CH3OH देख लेना, तो बेटे ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये क्या दिया अपना सेकेंडरी अल्कोहल। अभी क्या हम लोग पढ़े थे, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंड डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, राइट। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और फिर ये वाटर से रिएक्ट करके वाटर फाइनली बना लेता है। ये सेकेंडरी है तो क्या देगा, कीटोन। यहाँ से हाइड्रोजन एक OH से निकल गया और 2, 3, 4 एक ये हाइड्रोजन निकल गया, व्हाट गिव्स CHO CST, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन कॉमन नेम एसीटोफिनोन। और IPC के नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1, 2 अच्छा मेन फंक्शन तो कीटोन वाला हो गया ना, तो ये तो अब मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये भी कॉमन, मिथाइल फिनाइल कीटोन ये भी कॉमन ही नेम ही रहता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मेन फंक्शन तो अपना यही रहेगा, अभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। आईपीसी नेम जब करेंगे तो 1, 2 मिथ इथ इथ में आ जाएगा, इथ में, और इसमें क्या लगता है कीटोन में ओएट लगता है ना, हाँ ओन सॉरी ओएट है एसिड वाला में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, ठीक है, इसमें ओन लगता है ओएनी। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे कीटोन बना, ये ध्यान देने की बात है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएजेंट यूज करेंगे तो सिर्फ किस तरह के रहेंगे आपका, या तो एलाइल ग्रुप रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, हाँ बेंजाइल अल्कोहल रहेगा तभी ये रिएजेंट को हम लोग यूज करेंगे। उसी तरह से विनाइल वाला के लिए, एलाइल वाला के लिए देख ले हम लोग, एलाइल ग्रुप को मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से कोई जो फंक्शन ग्रुप रहेगा उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से फंक्शन ग्रुप रहेगा तो इसको एलाइल बोलते हैं,
डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से जो भी फंक्शन ग्रुप, जैसे यहाँ OH है, OH जुड़ा रहेगा तो उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने का है, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ा रहेगा, वो सारे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन को सेट कर लें, CH2 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से 2 3, ठीक है बेटे, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। अब क्या है, रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि एलाइल ग्रुप के लिए रिएजेंट स्पेसिफाई है ओनली मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एक यहाँ से H निकाल दिए, एक यहाँ से H निकाल दिए, H2 बन गया H2, और ये क्या दे देगा, जब ये निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो CHO दे देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा है, 1 डिग्री है एलाइल, 1 डिग्री है, तो इसलिए हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, नेमिंग 1 2 3 1 2 3, IPC नेम क्या हो गया, prop 2 in -, आपका 1-al, एल्डिहाइड है 1-al, ये यहाँ से उठ जाएगा, AE से फिट हो रहा है, तो propene 2 in 1-al, क्या करते हैं IPC नेम में, मेन फंक्शन यहाँ पर एल्डिहाइड है, वहां से कार्बन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 2 पर क्या है, आपका अल्किन ग्रुप है, इसलिए पहले तो आपका मेन जिसको हम लोग क्या बोलते बेटे, root words, 2 in double bond, 1-al। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH जुड़ना, ये CH3 सेकेंडरी डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH ग्रुप जुटा, ये क्या कहलाया, एलाइल, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एलाइल ग्रुप हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को सेट कर लें, 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, प्राप्त हो गया। अब क्या है, स्पेसिफाई है मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएजेंट MnO2, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एक यहाँ से निकल गया H, एक यहाँ से H निकल के यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, कीटोन का फॉर्मेशन, कीटोन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है बेटे। चलो इसको लिख लो, पहले प्रीवियस वाला जाके, ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स हुआ है, उसको देख लेना, और इसका फर्स्ट लेक्चर जो ऑलरेडी हो चुका है एक बार, उसको मैं रिवाइज किया हूँ, इसमें भी स्लाइटली, उसमें थोड़ा डिटेल से बताऊँ, इसमें भी रिवाइज कर लिया हूँ। ये सारे रिएक्शन देखोगे तो अल्कोहल वाला में भी ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी हुआ है, इसलिए आप जाके हैं कि ऑर्गेनिक में हम लोग को ऑलमोस्ट सारे लगेगा कि 60-70% किया ही रहेगा। सर ऑर्गेनिक में भी तो कौन सा चैप्टर हो गया आपका, पहला LDI, वो आपका अल्कोहल का हो गया है, हेलो एरिन्स वाला हो गया, हेलो एल्किन्स हो गया, राइट, उसके बाद हम लोग अल्कोहल कर लिए हैं, ठीक है ना बेटे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरा हम लोग तीसरा का एक ही लेक्चर हुआ, थर्ड का तो लास्ट में इसको रिवाइज भी मारेंगे लास्ट में जब एलएल, क्योंकि पूरा हम ऑर्गेनिक हम लोग देखे, ऑर्गेनिक हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, नवंबर से ही पढ़ रहे हैं, तो 11th का ऑर्गेनिक जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया तो 12th उसके लिए कुछ नहीं। सर हाइड्रोकार्बन हो गया, हाँ वो सब एलिमेंट हम लोग करते, वो करेंगे, डोंट वरी, वो सारे आएगा, वो सारे होंगे।
तो अभी के प्रेजेंट में आपको क्या ध्यान देना है, कम से कम एटलीस्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो जितने वीडियो अपलोडेड हैं SN2 SN1 आपका एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन वो है, वहाँ एक बार उसको देखते चलो कि अभी वाला में समस्या नहीं आया, और जहाँ डाउट होता है मॉर्निंग क्लास में यू कैन आस्क मी, कि वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके ऑर्गेनिक आप समझ ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऑर्गेनिक में क्या ध्यान रखना है कि एवरी 15 डेज पे रिवीजन पूछता है, यदि आप सोचो कि एक बार इसको पढ़ के महीना भर का गैप दे देंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे प्लानिंग में क्या है आपका JEE हो या नीट हो, तो दो सब्जेक्ट पे जैसे फोकस कीजिए आप लोग। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर नंबर ऑफ स्कोर बढ़ाने में इंक्रीज करता है, जैसे नीट वालों के लिए बायो में अच्छा स्कोर करते हैं उसी तरह से केमिस्ट्री को भी सब्जेक्ट पैरेलल में बनाएं, इसमें भी 140-150 आगे पहुंच सकता है। उसी तरह से JEE वाले के लिए केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मैदान में एंट्री करवाएगा, और यदि अच्छा आपने कर लिया तो अच्छा रैंक भी प्रोड्यूस करके हो जाएगा। मैथ्स और फिजिक्स में क्या है, एक बच्चे सिचुएशन लेवल पर आ जाते हैं, जैसे बायो में भी आप लोग का है कि बच्चा जो अच्छा तैयारी करता है 330-340 तक पहुंच जाता है, लेट उगता है उसको थोड़ा सा फिजिक्स, और केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स वाला भरपाई कर सकता है, जैसे फिजिक्स से मान लो बाई चांस 15-20 नंबर बाई चांस कम होते हैं वो केमिस्ट्री से भरपाई किया जा सकता है। उसी तरह से आप लोग के लिए भी JEE के लिए भी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक लेवल के बाद उसके बाद इम्प्रूव करना मुश्किल हो जाता है जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच गया फिजिक्स में भी प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक लेवल पे कट ऑफ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना मेहनत कीजिएगा उतना नंबर उठेगा। केमिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना उसमें जोर लगा ले और उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाने, ज़्यादा आपको वो खाली रिवीजन खोजता है केमिस्ट्री, बस पढ़ा हुआ है जितने बार आप रिवाइज कीजिए 2 बार 4 बार 5 बार, जैसे ये लोग ऑर्गेनिक हैं कम से कम 2-3 बार लोग रिवाइज कर चुका है, तब उसके बाद वो दिमाग में सेट रहता है, और उसको यदि गैप दिए महीने भर का भी तो भी कहानी 0 पे आ जाएगा। आप हो चाहे मेरे लिए भी है, ये नहीं कहता हूँ सिर्फ बच्चे के लिए, टीचर के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी यदि वो भी गैप दे देते हैं तो वो भी तेरे बुरा, लेकिन है कि उनको रिकवर करने के एक उपाय है रिवीजन। रिवीजन बार बार हर दिन जैसे होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सब पढ़ते हैं 8 घंटा 40 मिनट उसको एवरी डे देने का, सारे कुछ एवरी डे उसको कॉन्स्टेंट रखो। ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपको मोस्टली बच्चा ऑर्गेनिक के कारण बाहर हो जाते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल सब ठीक ठाक कर लेते हैं, फिजिकल फॉर्मूला बेस पे है, न्यूमेरिकल रहता है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं, सारे फॉर्मूला मालूम है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बच्चे की समस्या असली क्या है, केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 11th वाला वो चैप्टर नहीं समझा जाता है, 11th वाला चैप्टर वो उसको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग कहाँ पर थे बेटे, हाँ लाइन ग्रुप का हो गया, ठीक है ओके डन ये कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन टेक्निक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ अल्कोहल। तो डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो चीज पता है, हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक डीहाइड्रोजनेशन का मतलब अल्कोहल से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। डीहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको क्या कर, इसमें क्या हम लोग करते हैं, अल्कोहल को जो है बाई पासिंग वेपर ऑफ अल्कोहल
बाई पासिंग वेपर ऑफ एल्कोहल ओवर ओवर रेड ओवर रेड हॉट कॉपर एंड कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। कॉपर के प्रेजेंस में रेड हॉट कॉपर ट्यूब में क्या करते हैं, अल्कोहल को डाल देते हैं और हीट करते हैं। हीट करने से हाइड्रोजन का रिमूवल होकर मुझे एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री नो इफेक्ट। सारे में कॉमन है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला में केमेनो पे वाला में ध्यान देना है, क्या K2Cr2 में 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन और 3 डिग्री नो इफेक्ट। बाकी उसके बाद सारे का ट्रेंड सेम देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल देगा एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। ये सारे अल्कोहल में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी किया हुआ, वही सारी चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ऑर्गेनिक में 12th वाला तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करने के बाद उसका रिपीटेशन ही है, वो सारे जो किया हुआ उसी चीज़ को वहाँ से उठा कर फिर यहाँ प्रेस करना है बस। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे। क्या क्या मेरा बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिख लीजिए बेटे, बता दो वन डिग्री अल्कोहल जैसे CH3CH2COH यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ 1 डिग्री बाबा मैं बताया 1 डिग्री को एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री हमेशा वर्ड यूज हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत पक्का होना चाहिए, इन लोगों को भी बहुत बार रिपीट किया हूँ। कोई भी जैसे 1 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन यदि एक कार्बन से या एक हाइड्रोजन से अटैच रहेगा उसको 1 डिग्री बोलेंगे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, यानी इसी कार्बन पर फोकस करना है, ये वही इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को सिर्फ देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक कार्बन से जुड़ा हो और हाइड्रोजन से भी जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 2 डिग्री में यदि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा। 3 कार्बन से जुड़ रहेगा तो 3 डिग्री बोलेंगे, राइट बेटे। तो यहाँ पर हम क्या देखें, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो गया बेटे, प्रोपेनॉल। अल्कोहल याद करने का ट्रिक क्या है, वो जनरली मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऑल और अल में, ऑल और अल दोनों का नेम, तो ऑल को कैसे याद रखने का, इन लोग यही बताया अल्कोहल में ऑल होता है तो इसका आपका सफिक्स जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा अल्कोहल के लिए, और दूसरा वाला बाई डिफॉल्ट एल्डिहाइड वाला अल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरमिक्स हो जाता है कौन किसका है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक में बताया ऑल लगा हुआ है, ऑल को ऑल से सफिक्स कनेक्ट कर देंगे, एल्डिहाइड वाला अल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना है, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करना है, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करना है। ये भी रिएक्शन वहाँ हम लोग देखे थे, ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड दे देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड दे देगा, CH3CH2CH3 हाँ, तो हाइड्रोजन का रिमूवल, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटे। CH3CH2CHO CH3CH2CHO हाँ बोल बेटे। सर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कर रहा था तो उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ भी रिमूवल, तो उसको भी डीहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, कैसे, यहाँ सारे डीहाइड्रोजनेशन ही है, सारे में हाइड्रोजन का ही रिमूवल हो रहा है। शुरू से देखिए
आप K2Cr2 KMnO4 उसके बाद एक PCC जिसमें मैं पिछला चौक पर जाए उसको देख लेना। पांच ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन का मतलब जो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर हमको लगा बस ये नहीं, ऑक्सीडेशन सारे हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हैं ऑक्सीडेशन के। पहला रिएजेंट KMnO4 यूज किए K2Cr2, दूसरा रिएजेंट PCC प्रेडिन क्रोमोक्रोमेट यूज किए, उसमें पांच ऑक्सीडाइजिंग होते अलग अलग पड़े थे। फिर थर्ड उसके बाद हम लोग क्या थर्ड कौन सा आ गया था बेटे, MnO2 थर्ड अभी जो पड़े मैग्नीज ऑक्साइड। फोर्थ यहाँ पे कॉपर के प्रेजेंस में इसको हिट कर रहा है। तो ऑल आर दी हाई ऑक्सीड, सारे क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा हाइड्रोजन का रिमूवल ही होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल ही होगा राइट। लेकिन एक चीज ध्यान देने के बाद क्या है, दोनों में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको क्यों प्योर इसको क्यों बोल रहे हैं डी हाइड्रोजनेशन, और सारे में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन निकलेगा वो वाटर फॉर्म कर जा रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर जा रहा है। यहाँ पर हीट कर रहे हैं ना, वाटर तो रहा ही नहीं, वाटर तो सारा उड़ गया, ऑक्सीजन रहा ही नहीं, हीट कर रहे हैं। तो ये प्योर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही बनेगा, बाकी सारे में क्या हो रहा है हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। दैट इज बेसिक डिफरेंस। पिछला जितने हम लोग का है उसमें सब में हाइड्रोजन का रिमूवल का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाता है वाटर फॉर्म कर जाते हैं। यहाँ पर कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं, प्योर सी हाइड्रोजन वो वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो वाटर जो भी बन रहा है वो सब वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए वो जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करने का जो H2O बन रहा है वो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन नहीं होगा। That's why इसको नाम दिया गया dehydrogenation। इसीलिए इसको dehydrogenation, और सारे में वाटर का फॉर्मेशन आया, हाइड्रोजन निकल कर फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर जा रहा है। राइट बेटे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उसी तरह से ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का। फिर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए राइट बेटे। अब ये क्या है कॉपर के प्रेजेंस में हीट करने पर, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करने पर ये क्या फॉर्म कर जाएगा आपका, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन का फॉर्मेशन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ भी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ H2, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ H2। तो यहाँ पर सिर्फ H2 का ही H2 निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग डीहाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं। क्लियर, प्रीवियस वाला में हाइड्रोजन निकलता है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो वाटर का फॉर्मेशन कर दे रहा है, और यहाँ पर वो ये हाइड्रोजन जो निकलता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि हीटिंग हीट कर रहा है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन का वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना डीहाइड्रोजनेशन के बाद